हेलो एवरीवन, वेलकम टू चटोरी जुबान। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए ग्रीन थाई करी की रेसिपी, जिसके इंग्रेडिएंट्स अगर आपको इंडिया में मिल जाएंगे, दो तीन मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वेजिटेबल्स जो मिल जाएंगे अगर, तो आप सेम थाई करी जैसी रेस्टोरों में मिलती है वैसे आप बना सकते हो। तो ये पूरा पैक मुझे मिला था थाई करी का, तो ये मैंने लुलु से लिया था, दुबई के लुलु से। तो इसमें ये है लेमन ग्रास, लेमन की ये पत्तियाँ हैं। और तो चलिए देखते हैं इसमें हम क्या क्या यूज़ करते हैं और कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है लेमन ग्रास, इसकी ऊपर की जो हार्ड परत है इसे मैं निकाल दूँगी। और यहाँ पर मैंने दो लेमन ग्रास को यूज़ किया है, तो इसे हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे, इसकी ऊपर की परत को हटा देंगे। फिर मैंने यहाँ पर लिया है मद्रास अनियन, छोटी अनियन जो होती है वो, तो इसे भी हम छील लेंगे। तो ये चार से पांच मैंने ली थी। फिर हम लेंगे चार से पांच लहसुन की कलियाँ। तो ये सब तो आपको आराम से इंडिया में मिल जाएगा, बट दो तीन चीज़ें हैं जो मिलने में थोड़ी, अब तो मिलने लग गया है, कहीं कहीं पर मिल जाता है आराम से। तो यहाँ पर मैंने लहसुन ले लिया, ये है गलांगल जो आपको मिल भी सकती है। तो इसमें आपको अदरक का यूज़ नहीं करना है, ये अदरक जैसा ही होता है, बट अदरक यूज़ नहीं करना है, गलांगल ही यूज़ करना है अगर आपको मिलती है तो। तो ये मेन इंग्रेडिएंट्स है जो थाई करी में मेन होता है, गलांगल और लेमन ग्रास। तो यहाँ पर मैंने एक इंच तक लिया है गलांगल, ये काफ़ी हार्ड होता है, ये अदरक के जैसा नहीं होता है, बहुत हार्ड होता है अंदर से, तो इसे मैंने ले लिया है। अब मैं लूँगी दो थाई चिली, तो ये बहुत तीखी होती है तो हमें स्पाइसी चाहिए था, इस वजह से मैंने दो ग्रीन थाई चिली भी यूज़ किया है। आप ग्रीन थाई बना रहे हो तो इसमें ग्रीन चिली ज़्यादा पड़ेगी कलर के लिए, बट हमें थोड़ा स्पाइसी चाहिए था इसलिए मैंने इसका भी यूज़ कर लिया है। फिर मैंने यहाँ पे लिया है बेसिल लीव्स, ये इसके साथ ही मिली है। तो इसका मैं स्मूथ पेस्ट बना लूँगी। अब मैं लूँगी यहाँ पर लेमन, तो ये लेमन भी थाई लेमन ही है, तो ये नॉर्मल लेमन नहीं है, तो इसका जो ऊपर का परत है, स्किन है, वो मैं यूज़ करूँगी। यहाँ पर मैंने लिया है अभी लेमन की पत्तियाँ, जो नींबू के पेड़ की जो पत्तियाँ होती हैं वो। फिर अभी मैं इसे छोटा छोटा लेमन ग्रास को इसके छोटे छोटे से पीसेस कर लूँगी, जिससे पीसने में आसानी होगी। अब मैंने यहाँ पर लिया है धनिए की डंठल, जो धनिए की डंडी होती है स्टेम, वो मैंने लिया है थोड़ा सा। अब मैंने यहाँ पर ये जो लेमन है, लेमन का ऊपर का परत लेना है, ये जो वाइट वाला होता है इसे आपको यूज़ नहीं करना है, वरना आपकी ग्रेवी कड़वी हो सकती है। तो आपको ऊपर का ये जो ग्रीन होता है वो ही निकालना है, आप इसे ऊपर की परत को कद्दूकस करके भी निकाल सकते हो। अब मैं इन सब सब्जियों को ग्राइंड कर दूँगी, स्मूथ पेस्ट बनाऊँगी, इसे आप क्रश भी कर सकते हो। तो मैंने इसका यहाँ पर अच्छे से पेस्ट बना लिया है, फाइन पेस्ट। अब मैं यहाँ पे छोटे पैन में लूँगी आधा चम्मच धनिया, खड़ी धनिया, और आधा चम्मच जीरा, जिसे मैं अच्छी तरह से रोस्ट कर लूँगी और इसे मैं अब क्रश कर दूँगी। तो ये आप उस जो सब्ज़ी हमने पीसी है मिक्सी में उसके साथ भी आप इसे पीस सकते हो साथ में ही। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरह से क्रश कर लिया है और मसाले को भी पीस लिया है, पेस्ट अच्छी तरह से बना लिया। आप देख सकते हो ग्रीन थाई करी पेस्ट रेडी हो गया है। तो आप इसे फ्रोज़न भी कर सकते हो, फ्रीज़र में रख कर आप इसे दो महीने तक यूज़ कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर लूँगी कोकोनट मिल्क, थाई करी में कोकोनट मिल्क ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा, हाफ कप से भी थोड़ा मैंने लिया है कोकोनट मिल्क, इसे मैं थोड़ा गाढ़ा करूँगी हाई फ्लेम पर, जब तक थोड़ा सा ऑयल इसमें से नहीं निकल जाता है। थाई करी को इसी ऑयल में बनाया जाता है, तो यहाँ पर जब ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया है तब मैंने यहाँ पर
थाई करी पेस्ट डाल दिया है, जो ग्रीन पेस्ट हमने बनाया है वो हमें डालना है, और 5 मिनट तक हम इसे हाई फ्लेम पर ही भूनेंगे इस मसाले को। तो अगर आपको ये सामान मिल जाए तो आप इसे एक बार ट्राई करना, ये बहुत ही ज़्यादा यम लगती है। और तो इस ये अच्छी तरह से भून चुका है, अब मैं इसमें बाकी के जितने यहाँ पर सॉरी अब मैं इसमें जो मैंने क्रश किया था मसाला वो मैं डाल दूंगी 1 चम्मच के करीब, और इसे भी मैं अच्छी तरह से भूनूंगी मसाले के साथ। अब मैं यहाँ पर जो हमारा कोकोनट मिल्क बचा हुआ है, मैंने यहाँ पर यूज़ किया है 1/2 लीटर कोकोनट मिल्क, और 250 ml तक मैंने 250 ml तक मैंने यूज़ किया है कोकोनट क्रीम। तो अब मैं यहाँ पर डालूंगी क्रीम, जिससे इसकी ग्रेवी थोड़ी थिक होगी और थोड़ा क्रीमी टेक्सचर आएगा। तो ये रेडी हो रहा है, थोड़ा हम इसे पकाएंगे 5 मिनट तक। अब मैं इसमें डालूंगी स्नो पीस, जिसे हम सेम भी बोलते हैं, तो वो मैं डालूंगी। और अब मैं इसमें मशरूम डालूंगी, आपको जो भी सब्ज़ी मिल जाएगा आप उसमें यूज़ कर सकते हो, गाजर यूज़ कर सकते हो, शिमला मिर्च भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है सेम मशरूम। अब मैं डालूंगी यहाँ पर जो लेमन की पत्तियाँ थी ना वो मैं डालूंगी, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो अब मैं इसमें डालूंगी लेमन की पत्तियाँ। अगर आपको ये सब्ज़ी नहीं मिले तो आप सिर्फ मशरूम भी डाल सकते हो। अभी मैंने डाला है 1/2 चम्मच गुड़। अब मैं डाल दूंगी इसमें, बॉईल करके मैंने यहाँ पर ब्रोकली रखा और मैंने यहाँ पे पतले वाले बैगन को भी यूज़ किया है। तो ये मैंने थोड़ा सा गर्म पानी में इसे थोड़ी देर के लिए रखा था तो ये सॉफ्ट हो गया, इससे मुझे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ब्रोकली और सेम को थोड़ा आपको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इसका क्रंचीनेस इसमें रहनी चाहिए सब्ज़ी की। फिर मैंने यहाँ पर डाला है थोड़ा सा पनीर, आप यहाँ पर टोफू भी यूज़ कर सकते हो, तो ये ऑप्शनल है, आपको जो भी सब्ज़ियाँ मिलती हैं आप इसमें यूज़ कर सकते हो, और बहुत ही ज़्यादा ये यम लगती है। तो इसको मैं 5 मिनट तक और पकाऊंगी। तो हमारी यहाँ पे ये थाई करी रेडी हो चुकी है। बात सबसे लास्ट में मैंने नमक डाला है इसमें, क्योंकि कभी कभी मिल्क है, कोकोनट मिल्क है, तो वो फट सकता है, इस वजह से मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ करने के बाद नमक डाला है। तो आप इस तरह से बनाइए, और इसमें ऑयल नहीं पड़ेगा, ये बहुत हेल्दी होती है। जो कोकोनट मिल्क से जो ऑयल निकलेगा हमें इसे उसी से बनाना है। तो आप इसे जैस्मिन राइस के साथ सर्व करिए, बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपको ये सामान मिलता है तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करिए। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।